नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहद ही जानकारी के बारे में, एसी डीसी इन्वर्टर बल्ब के बारे में, जिसे हम काफ़ी सारे लोग जादू बल्ब भी बोलते हैं, जिसे एसी डीसी बल्ब भी बोला जाता है और रिचार्जेबल बल्ब भी बोला जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस समय देखा जाए क्या है कि मानसून शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में खासकर पावर कट की समस्या हर घर में आपको देखने को मिलेगी। यदि आपके भी क्षेत्र में पावर कट की समस्या है तो आप अब बिना जनरेटर या बिना इन्वर्टर के अपने घर में रोशनी को बनाए रख सकते हैं, वो भी कैसे। इस एसी डीसी के द्वारा आप अपने घर में बिना इन्वर्टर या बिना जनरेटर के अपने घर में लाइट ला सकते हैं, वो भी अच्छे बैकअप के साथ। आज मैं इसी चीज़ पे आपको बताने वाला हूँ एसी डीसी इन्वर्टर के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी सारी कंपनियों ने आपको इन्वर्टर एसी डीसी बल्ब के बारे में बताया होगा। तो एसी डीसी, पहली बात तो एसी डीसी इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। एसी डीसी इन्वर्टर देखा जाए चार प्रकार के होते हैं। एक डीओबी के नाम से आता है, एक अल्फ़ा डीओबी के नाम से आता है और दो ड्राइवर सीरीज में आते हैं, जिसे हम इन्वर्टर यानी कि ट्राइंगल एसी डीसी बोलते हैं और सर्कल एसी डीसी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों सर्कल एसी डीसी के बारे में। तो सर्कल एसी डीसी में ऐसा क्या क्या सामान आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो रेडी बल्ब लेते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो रॉ मटेरियल में डील करते हैं। एक्चुअली जो आज मैं बताने वाला हूं, रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप इस वीडियो में जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये आपकी बॉडी है जो 12 वाट में एसी डीसी सर्कल में यूज़ की जाती है। ये काफ़ी वाइट बॉडी है, जैसा कि इस बिल्कुल वाइट बॉडी है। इसमें जो दिया जाता है रिंग प्योर वाइट है, जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को नज़र आ रहा हो, ये है इसका डिफ्यूज़र। प्योर वाइट आपको डिफ्यूज़र देखने को मिलेगा। जो इसमें यूज़ किया जाता है वो ड्राइवर पीसीबी। एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी सारे कस्टमर के कॉल भी आते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ भी किया है, तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, सर मैंने सर्कल ड्राइवर यूज़ तो किया है लेकिन कुछ समय, ज़्यादा समय तक नहीं चलता, 6 महीने 8 महीने 4 महीने के अंतर्गत उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम आती कैसे है, प्रॉब्लम उसमें इस तरह से आती है कि काफ़ी सारी कंपनियाँ होती हैं जो आपको डुप्लीकेट, जो मेन पॉइंट इसमें होता है वो है आपका आईसी का। जब एक्चुअली जो आईसी है वो हमारी अगर डुप्लीकेट जेन्युइन आईसी नहीं होती है तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उसे वो हीट करती है। हीट करने से क्या होता है, आगे चल के कुछ समय बाद इनमें प्रॉब्लम आने लगती है, जल जाते हैं। तो वो किस वजह से, जो आज हमारी कंपनी आपको देने वाली है वो उसमें एक तो जेन्युइन आईसी देने वाली है, देख सकते हो थिकनेस काफ़ी अच्छी है और जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं काफ़ी जेन्युइन क्वालिटी के, यानी कि डुप्लीकेट सामान नहीं लगाया जाता, बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल सामान इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो पीसीबी इसकी पर एलईडी आप देख सकते हो, काफ़ी सारी पीसीबी इसमें देखने को मिल रही होगी। इसकी जो थिकनेस की बात करें, काफ़ी मोटी है परत, यानी कि हीट होने का, जो इसमें आईसी लगाई गई है एडवांस आईसी का काम करती है, यानी कि जो आपका बल्ब भी, अगर कोई भी बल्ब गर्म होता है तो उसे हीट करने का काम करती है। जो इसमें आईसी है हीटिंग पावर को कंट्रोल अब्जॉर्ब कर लेती है अपने ऊपर। एक्चुअली जो बैकअप के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो है बैटरी बैकअप का। क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनियों से आपने लिया होगा 1200 mAh बैटरी, 1800 mAh, 2000 या 2500 या 3000 mAh की काफ़ी सारी बैटरी आपको देखने को मिली होगी। क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं जो इस पे कवर लगा के आपको जेन्युइन बैटरी नहीं देती हैं, डुप्लीकेट बैटरी प्रोवाइड करा देती है। जो आपको हमारी कंपनी से, पहली बात होता है कि इसका वजन, एक्चुअली जो देखा जाए अगर ओरिजिनल क्वालिटी की बैटरी है तो उसमें वजन काफ़ी अच्छा होता है और जो इसमें प्रोडक्ट यानी कि यूज़ की जाती है लिथियम, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी रहेगी। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो आपकी अगर जेन्युइन बैटरी होगी तो नॉर्मली 3-3.5 घंटे बैटरी बैकअप देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेट की। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि सर इसका रेट क्या होता है। तो मार्केट में इसका रेट आपको देखने को मिलेगा 450-450-350 रुपये के लगभग रिटेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे बोलते हैं सर मुझे होलसेलिंग में डील करनी है, तो होलसेलिंग में आप इसे सेल आउट कर सकते हो 250-300-280 के लगभग। और जिस जो सबसे कम रेट में हमारी कंपनी को आप कंपनी से आपको देखने को मिलेगा ये इंडियन सीरीज का सर्कल ड्राइवर, बिल्कुल कम रेंज में। इतना आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी कम रेट में हमारी कंपनी से आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ में जो लोग अपने ब्रांड से चलाना चाहते हैं तो उन लोगों की ब्रांडिंग भी हमारी कंपनी के द्वारा इस पे बॉडी पे, साथ साथ जो बॉक्स पे आपको ब्रांडिंग करके दी जाती है, आपके ब्रांड का भी बॉक्स आपको हमारी कंपनी से देखने को मिल जाएगा, ब्रांडिंग करके दी जाएगी। अब उसमें एक कंडीशन होती है कि काफ़ी सारी कंपनियों के मुँह से आपने सुना होगा, बोलती हैं कि सर आपको 2000 पीस 50,000 पीस या 10,000 पीस या 5,000 पीस कम से कम बॉक्स पे प्रिंट करनी होगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आप 100 पीस भी लेते हो तो उस पर
हमारी कंपनी आपको ब्रांड करके देती है, 50 पीस भी लोगे तो आपके नाम से, अब आप अपने ब्रांड के नाम से बिजनेस चला सकते हो, 50, 100, 200, 500 पीस भी अपने नाम के ब्रांड से आप बनवा सकते हो। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको इससे रिलेटेड अगले वीडियो में देता रहूँगा। तब तक के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो हमारी कंपनी से। जो भी सेल्समैन है आपको प्रॉपर जवाब भी दिया जाएगा और फुल ट्रेनिंग के लिए आप वीडियो कॉल के जरिए एक ट्रेनिंग ले सकते हो। नहीं होता तो आप बिल्कुल कंपनी में विजिट करके ट्रेनिंग ले सकते हो, बिल्कुल रह करके सारे प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एलईडी बल्ब से काफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट मैं जेन्युइन रेट में बेस्ट क्वालिटी के साथ लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।